सत्र की 15वीं कार्यवाही है। विधानसभा के 8वें सत्र की यह 25वीं बैठक है। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू की गई है। तारांकित प्रश्नों की सूची में कुल 22 प्रश्न अतारांकित किए गए हैं। तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं विधानसभा से, जहां पर सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 25वीं बैठक है और इस वक्त शांति धारीवाल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं विधानसभा से। खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया अधीन है, टेंडर प्रक्रिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मैंने 9 जुलाई 2019 को बसों की कमी के बारे में प्रश्न पूछा था, तो आपने जवाब दिया था कि बोर्ड की बैठक में 600 बसें चलाने का निर्णय ले लिया गया है, उसमें से 300 बसें डीजल की और 300 बसें इलेक्ट्रिक बसें होगी। तो उसका क्या हुआ, 4 साल हो गए और अभी भी आप वो 200 बसें चला रहे हो, तो इसका जरा जवाब दीजिए। मंत्री जी बैठे बैठे या मदन जी अपन कमेंट कर रहे हैं। देखिए, वो तो जो आपने बताया है कि साहब ये फैसला कर लिया गया था, ये कर लिया गया था, वो उसको उस फैसले को उस बोर्ड ने बदल दिया, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने ये पूछा है कि शहरी मामलों के मंत्रालय के मानकों के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 10,000 की आबादी पर 6 बसें होनी चाहिए। प्रश्न यही था आपका कि 6 बसें होनी चाहिए। अब आता उसके बाद में कि उक्त गणना से शहर की 50 लाख की आबादी को देखते हुए 3,000 बसों का संचालन होना चाहिए, ये आपने पूछा है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये कौन सी सेंसस है जिसने जयपुर के 50 लाख आदमी बता दिए। अरे मैं पूछ क्या रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हैं? यही बात पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, मैं उसी पर आ रहा हूँ। प्लीज बैठे, पहले जवाब सुन लेंगे। मैं उसी पर आ रहा हूँ जहाँ तक सवाल इस बात का है कि साहब 10,000 के ऊपर 6 बसें चलाई जावे, तो उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में वर्तमान में नगरीय सेवा में 209 परमिट लो फ्लोर बसों के चल रहे हैं, उनमें से 200 बसें 70 लो फ्लोर और 130 मिडी बसें ये JCTL के द्वारा संचालित हो रही हैं। मिनी बसों का संचालन निजी बस ऑपरेटरों मालिकों के द्वारा किया जाता है। परिवहन विभाग के द्वारा 2,291 परमिट जारी हुए हैं, लेकिन चल रही हैं 2,040। तो एक तो 2,040 होगी, अब ये 3,000 की जो आपने बताई कि 3,000 की बसें हो, 3,000 बसें होनी चाहिए 50 लाख की आबादी में, तो पहला तो सवाल मेरा यही है कि 50 लाख की आबादी नहीं है जयपुर की, एक बात। दूसरी बात ये है कि कुल अब जोड़ के देख लो आप कि 2,040 तो वाहन चल रहे हैं आपके ये परिवहन विभाग की, ठीक है, 200 बसें वो चल रही हैं, तो ये हो गई 2,240। अब जो दिए गए हैं, जो टेंडर हो रहे हैं इनके, वो JCTL के द्वारा जयपुर शहर में 100 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए अनुबंध किया जा चुका है, 100 ये जुड़ गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा में 23-24 में शहर में 300 बसें 100 मिडी बसें और 200 बसें 12 मीटर लंबी वो मिलनी है, उसका टेंडर सर्विस मॉडल के आधार पर किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त ये तो बसें हो गई आपकी पूरी जो मानक के हिसाब से कह रहे हो आप। अब सवाल ये रहता है कि हमने मेट्रो चलाई, मेट्रो में आज भी 45,000 आदमी जो है वो सफर कर रहा है। अब दूसरा रूट और चालू करना चाहते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट और चालू करना चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार की मदद कतई नहीं मिल रही हमें। ऐसी शर्तें उन्होंने लगा दी कि साहब MD हमारा होगा, चेयरमैन हमारा होगा और पैसे कुछ नहीं। तो ये सब बातें हैं, अगर उन शर्तों में आप रिलैक्सेशन करवा दो क्या समझ, तो फिर ये दूसरी मेट्रो चल जाएगी, तो उससे भी कम से कम भी आपका 25-30,000 आदमी और बढ़ जाएगा। तो पर जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सवाल है, जहाँ तक सच बिल्कुल मानकों के अनुसार जो है ये सरकार चलना चाहती है। आपने सरकारी बसें बंद कर दी, कम से कम 20 रूट बंद हो गए, उसमें जो सरकारी बसों में छात्रों को ID कार्ड दिखा के 50% की जो छूट मिलती थी, महिलाओं को जो 30% की छूट मिलती थी, सीनियर सिटीजन्स को जो छूट मिलती थी वो बंद हो गई। अब केवल निजी बसों के आधार पर आपने उनकी मोनोपोली कर दी और ये सिटी बसें सरकारी बसें चला नहीं रहे। प्रश्न पूछने और मैंने जैसा कहा
कि चार साल पहले आपने कहा कि 600 बसें चलाएंगे और अभी भी 200 ही बसें चल रही है। आप बात प्रश्न तो, पूछना है, प्रश्न पूछना ही नहीं आप, प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये बात बोल चुके हैं, बार बार बोलेंगे क्या, प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछ रहा हूँ, 2019 में आपने 600 बसें चलाने की घोषणा की थी सदन में और अब आप कह रहे हैं कि वो 200 बसें चल रही है तो 600 बसों का क्या हुआ? इन 3000 का आंकड़ा दे दिया मैंने आपको। आप बसें चलाने में इंटरेस्टेड हो या छूट लेने में इंटरेस्टेड हो? अगला प्रश्न श्रीमती संतोष। सर ये क्या जवाब देते हैं, दोनों एक दूसरे को सुन नहीं रहे हो। प्रश्न संख्या 473 खंड एक, विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में ग्राम पंचायत देशली की वन भूमि पर अवैध जिप्सम खनन के संबंध में जनवरी 2020 से दिसंबर 2022 तक वन विभाग द्वारा दर्ज प्रकरणों एवं की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड दो, जी हां, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21/10/22 के अनुसार भूमि सुधार हेतु खातेदारों को 3 मीटर तक जिप्सम की परत हटाने हेतु प्रावधान किए गए हैं। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण की रोकथाम हेतु राजस्थान अप्रदान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 54 के प्रावधान है जिसकी प्रति परिशिष्ट स पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2022 तक अवैध जिप्सम की निकासी की रोकथाम के लिए आपके विभाग द्वारा कब कब अभियान चलाया गया? मैंने ये पूछा था, इसका जवाब नहीं दिया गया है। और इसके साथ ही इन्होंने जो ग्राम पंचायतें देशली 22 RJD 10 DL 2 KM डब्बर का मैंने इसके अंदर आपको पूछा था, इसमें सिर्फ देशली के 2 मुकदमे इन्होंने बताए हैं, तो क्या अन्य जगहों पर अवैध खनन नहीं हुआ है? इसका जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पूछा है 4 पंचायतों का, 1 पंचायत देशली में ही अवैध खनन हुआ है, बाकी जो 3 पंचायतें हैं उसमें अवैध खनन के कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुए, इसलिए उन 3 पंचायतों के बारे में नहीं बताया गया, केवल 1 के बारे में ही हुआ है। और आपने विशेष अभियान चला करके की बात कही, तो विशेष अभियान चला करके इस प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष अभियान चला करके तो कार्रवाई नहीं की गई, मैंने जो पूछा था डिटेल नहीं दी है। इसके अलावा ये कह रहे हैं अवैध खनन नहीं हुआ है, तो मैं ये दिखाना चाहूंगी, अवैध जिप्सम खनन रोकने के गए वनपाल को माफियाओं ने घेरा और कुचलने की कोशिश की, ये क्या है? जो शिकायत करते हैं या जो सूचना देते हैं उन्हीं को दबाने का प्रयास किया जाता है। ग्रामीणों के डेली मेरे पास फोन आते हैं और विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई वहाँ के जो CI वगैरह वो नहीं करते, हमें SP से बात करनी पड़ती है, कलेक्टर से बात करनी पड़ती है, फिर जाकर के कार्रवाई होती है। तो मुकदमे दर्ज होते ही नहीं है, अवैध खनन हो रहा है और हम सबको पता है कि वन भूमि में अवैध खनन एक बहुत बड़ा अपराध है और इसको स्थायी समाधान हम कैसे कर सकते हैं, इस पर सरकार क्या कर रही है? और एक मेरा ये सवाल है कि इन्होंने जो देशली के अंदर 2 मामले बताए हैं उसके अंदर जो पेनल्टी इन्होंने बताई है ये है 1/10/22 और 5/11/22, 2 मामले दर्ज है, दोनों के अंदर 1 में 2.5 लाख की पेनल्टी लगाई है और 1 में 70,000 की। तो इतनी कम पेनल्टी के अंदर क्या अवैध जिप्सम खनन रोका जा सकता है? इस प्रकार से तो पेनल्टी भर के वो अवैध खनन करते रहेंगे। दूसरी बात, इतने कम समय में प्रश्न ही पूछ रही हूँ अध्यक्ष जी, प्रश्न का उसमें तो उत्तर को उत्तर बताया जा रहा है, प्रश्न क्या स्पेसिफिक प्रश्न पूछे? प्रश्न यही है कि क्या इतनी कम पेनल्टी के अंदर अवैध जिप्सम खनन को रोका जा सकता है? बस काफी हो गया, उत्तर दे मन। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि विशेष अभियान नहीं चलाया गया है और माननीय सदस्य का ये कहना है कि विशेष अभियान चला करके अवैध खनन की रोकथाम के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए, तो मैं आज ही निर्देश दे दूंगा। तो कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है और कार्यवाही लगातार जारी है। बता दें कि इससे पहले उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया की ओर से बयान सामने आए थे, सुनाते हैं क्या कुछ कहा। राजस्थान शर्मसार हुआ है, पराकाष्ठा है, इंतहा है और इसलिए हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए अपनी बात उठाई है
नहीं सहेगा राजस्थान जो कल से आगाज हुआ है उसमें इस मुद्दे को प्रमुखता से लेंगे। आज हमारा मोर्चा भी पेपर लीक से लेके इस तरीके के भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अजमेर में बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। सदन में मुद्दों पर विरोध नहीं करेंगे तो सरकार के लिए एक सहूलियत होती है और हमने उसमें अपनी मर्यादा के भीतर भले ही कई बार सदन में ऐसी परिस्थिति बनती है लेकिन हम सब लोगों ने विधायकों की बैठक में भी तय किया था कि जो प्रमुख मुद्दे उस पर मुखरता से बात करेंगे। कांग्रेस के पेट में दर्द होता तो होता रहे, हमें उसकी परवाह नहीं। और आज विधायक दल की बैठक में आगे की रणनीति पर भी हम लोग विचार करेंगे।